टाइप्स ऑफ एनजीओ बताया गया होगा आप लोगों को, क्या क्या सोसाइटी नाम सुना है ना, ये एक सोसाइटी है, ये ट्रस्ट है, और ये एक सेक्शन एट है, एक सेक्शन एट होता है, सेक्शन एट, एक सेक्शन एट है, ठीक है। बेसिकली सेक्शन एट एक कंपनी होता है, क्योंकि ये एक स्पेशल कंपनी के कानून में रजिस्टर्ड होती है। सोसाइटी का नाम सुना है, सोसाइटी क्या होता है पता है, सोसाइटी क्या होता है, देखो अभी तक मैं सिर्फ कॉमन वर्ड्स की बात कर रहा था, एनपीओ एनसीओ, एनपीओ एनसीओ में कॉमन वर्ड्स की बात कर रहा था, लेकिन मैं अभी तक लीगल वर्ड्स की बात नहीं कर रहा था, लीगल वर्ड्स की बात नहीं कर रहा था। लीगली कोई एनसीओ या एनपीओ क्या हो सकता है, एक सोसाइटी हो सकता है, लीगली वो कोई भी एनजीओ एक सोसाइटी हो सकता है या ट्रस्ट हो सकता है। बात समझ में आ रही है, मेरी बात आपको समझ में आ रही है, पल्लवी नाम है हाँ, तो मतलब कोई भी एक लीगल वर्ड क्या हो सकता है एनजीओ का, सोसाइटी, ट्रस्ट या फिर सेक्शन एट कंपनी। मेरा कहने का मोटिव ये है, तो तीन तरीके से हम एनजीओ को रजिस्टर्ड कर सकते हैं, लीगली हम तीन टाइप से एनजीओ को रजिस्टर्ड कर सकते हैं, सोसाइटी के फॉर्म में कोई भी हम सोसाइटी बना के कर सकते हैं, कोई भी हम ट्रस्ट बना के कर सकते हैं, और कोई भी सेक्शन एट कंपनी बना के कर सकते हैं। ट्रस्ट बेसिकली जो यूज होती है वो टेंपल्स वगैरह में यूज होती है मेनली, टेंपल्स जो बनते हैं ना, गुरुद्वारा टेंपल्स मस्जिद वगैरह, तो ट्रस्ट मेनली बनती है उसमें, ठीक है। सोसाइटी बेसिकली एजुकेशन इंडस्ट्री में अगर आप देखोगे ना, तो मेनली आपको सोसाइटी मिलेंगी, जो हम ये आरबीएससी वगैरह के स्कूल देखे होंगे ना आप लोगों ने, सोसाइटी में रजिस्टर्ड है वो मेनली, कॉलेजेस वगैरह। अगर आपको कॉर्पोरेट लेवल पे जाना है तो ये कॉर्पोरेट्स के लिए बेटर ऑप्शन है सेक्शन एट कंपनी। कॉर्पोरेट्स के लिए क्यों, क्योंकि ये कंपनी है, कंपनी है ना। देखो मैंने बिजनेस की बात करी थी, बिजनेस बेसिकली, बिजनेस के कई अलग अलग टाइप होते हैं, कंपनी और फर्म होते हैं मेनली, दो टाइप होते हैं है ना, उसके अलग अलग वेरियस फॉर्म्स होती हैं। तो ये कंपनी है, कंपनी के ऊपर अपन आएंगे कि ये कंपनी होता क्या है। सो सेक्शन एट एक कंपनी है, ये इस सेक्शन एट का मतलब ये है कि ये नॉन फॉर प्रॉफिट कंपनी है, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, ठीक है। नॉट फॉर प्रॉफिट का मतलब जहां पे उद्देश्य प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, इंटेंशन प्रॉफिट अर्न करना नहीं है। सो कॉर्पोरेट्स के लिए बेटर क्यों है, क्योंकि ये जो कंपनी है ना, ये बेसिकली सीएसआर फंड्स लेने में ज्यादा फ्रूटफुल होती है, ज्यादा फ्रूटफुल होती है, गेटिंग। सीएसआर क्या होता है उसके ऊपर भी अपनाएंगे। सो अल्टीमेटली आपको ये जानना है कि टाइप्स ऑफ एनजीओ में तीन तरीके की एनजीओ होती है, सोसाइटी, ट्रस्ट और सेक्शन एट कंपनी। हम तीन तरीके से जनरली किसी भी एक एनजीओ को रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली जो हम रजिस्टर करते हैं अपने यहां पर, जो हम रजिस्टर करते हैं वो सेक्शन एट कंपनी करते हैं। वो क्यों करते हैं, लॉजिकली और प्रैक्टिकली आंसर आपको देता हूं। ये सबसे इजी रजिस्ट्रेशन है, सबसे इजी रजिस्ट्रेशन है, इजी है। दूसरा ऑनलाइन है, ठीक है। और बंडल ऑफ डॉक्यूमेंट जो है उसका सारा का सारा इकट्ठा आ जाता है अपने पास, के कौन सा बंडल ऑफ डॉक्यूमेंट्स, लाइक सर्टिफिकेट, बायलॉज, पेन, टेन, ये जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना एक ही बार में आ जाते हैं। सोसाइटी ट्रस्ट बनेंगे अलग अलग अप्लाई करना पड़ेगा, और सोसाइटी ट्रस्ट जो है ना बेसिकली वो लोकल लॉज के अकॉर्डिंग बनते हैं। लॉज का मतलब कानून। राजस्थान में मुझे कोई सोसाइटी बनाना है तो राजस्थान का जो एक्ट है वो एप्लीकेबल होगा सोसाइटी का। हरियाणा में बनाना है तो हरियाणा का होगा, दिल्ली का तो दिल्ली का होगा, ठीक है। लेकिन इसके अंदर सेंट्रलाइज लॉज चलता है, क्या चलता है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट से बनती है, कुल मिलाकर बात ये है, सेंट्रल गवर्नमेंट से बनती है, इसमें एक सेंट्रलाइज लॉ चलेगा। मुझे बिहार के लिए कोई रजिस्टर करना है तो तब भी एक ही कानून है, अगर मुझे राजस्थान के लिए करना है तो भी एक ही कानून है, यूपी के लिए करना है तब भी एक ही कानून है, अलग अलग कानून नहीं है, ठीक है। और सबसे खास बात ये, दो आदमी से रजिस्टर हो जाती है, कितने आदमी से, दो आदमी से, ज्यादा आदमी की नीड अपने को नहीं है। इजी है, ऑनलाइन है, यहां से बैठे बैठे हम किसी स्टेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बंडल ऑफ डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे आएंगे, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड होगा और लास्ट में दो पर्सन से भी रजिस्टर्ड हो जाएगा। दो पर्सन चाहे ब्लड रिलेशन में है, चाहे वो ब्लड रिलेशन में नहीं है, फ्रेंड सर्कल में, वट एवर कोई भी रिलेशन में, तो दो पर्सन से काम चल जाएगा, कंडीशन इज दैट वो मेजर हो, ठीक है, 18 साल से ऊपर के, उनका एक वैलिड पैन कार्ड हो। तो इन डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे इसको अपन रजिस्टर कर देते हैं। ये इसके फीचर्स हैं, इसके फीचर्स हैं, मैं नहीं कहता इनके फीचर्स नहीं है, इनके भी फीचर्स होते हैं, बट सबसे मेन डिमेरिट है कि लोकल लॉज हैं, है ना, अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग कानून अपने को फॉलो करना पड़ता है। दूसरी बात ये कि अगर मान लो मैंने कोई एक्स वाई जेड नाम से एक सोसाइटी बना ली, दूसरा कोई पर्सन दूसरी स्टेट में बना लेगा सेम नाम से,
यहाँ पे ये सेंट्रलाइज्ड लॉ है, अगर यहाँ पे एक सोसाइटी एक एनजीओ रजिस्टर्ड हुई है तो दूसरा पर्सन सेम नेम से कोई भी दूसरी सेक्शन 8 कंपनी एनजीओ रजिस्टर्ड नहीं कर सकता यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्या है लोकल लॉज है, आपस में कनेक्शन नहीं है किसी भी स्टेट का। राजस्थान में मैंने एक एक्सवाई जेड सोसाइटी बनाई तो एक्सवाई जेड सोसाइटी हरियाणा में बन गई सेम, तो यहाँ पे एक कॉन्फ्लिक्ट हो गया, दो सोसाइटी होल्डर्स दो एनजीओ होल्डर्स आपस में लड़ रहे हैं कि मेरी है मेरी है, तो अल्टीमेटली क्या हुआ ये एक इसका डीमेरिट है, लोकल लॉज है तो डीमेरिट है। तीसरा ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ट्रांसपेरेंसी मतलब क्या हुआ कि भाई इनको ट्रैक नहीं कर सकते, ट्रैक कैसे, मुझे देखना है कि इस एनजीओ में कौन कौन प्रेसिडेंट है कौन सेक्रेटरी कौन कैशियर है व्हाटएवर, मुझे देखना है मैं एक इन्वेस्टर हूं मैं डोनेट करना चाहता हूं तो मुझे पता चलेगा ही नहीं है ना, क्योंकि ना तो इनकी प्रॉपर कोई गवर्नमेंट वेबसाइट है कि मैं वहां पर जाकर सर्च कर लूं, और मैं किस किस वेबसाइट को ध्यान रखूंगा, इतने सारे स्टेट से अलग अलग वेबसाइट्स हैं तो मुझे कैसे उसको आइडिया करना पड़ेगा। तो इसमें एक कॉमन वेबसाइट है, कॉमन वेबसाइट पे कॉमन मास्टर डेटा होता है जहां पे सारी चीजें अपने मिल जाएंगी कि ये एनजीओ रजिस्टर्ड कब हुई थी, इसका नाम क्या है, इसमें कौन कौन डायरेक्टर, इसमें डायरेक्टर बनते हैं ऐसे कौन कौन डायरेक्टर है, इसका डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है, ये कितने कैपिटल से रजिस्टर्ड हुई है या फिर नहीं हुई है व्हाटएवर, तो ये सारी सारी चीजें इस, और इसमें मैं कब कब फाइलिंग कर रहा हूं, ऑडिट बैलेंस शीट जो मेरी फाइल होती है तो मैं कब कब इसमें सबमिट कर रहा हूं, तो अल्टीमेटली ये इन दोनों से टू बेटर है। तो ट्रस्ट का क्या है, ट्रस्ट क्या है बेसिकली, आपने कभी सुना है कि मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं है क्या, सुना है कभी मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं है क्या, बहुत सिंपल चीज है ट्रस्ट अल्टीमेटली, हाँ विश्वास, ये विश्वास ही तो है भाई, ये कुछ और वर्ड नहीं है, ट्रस्ट का मतलब वही ट्रस्ट है। बट ट्रस्ट को हम लीगल में क्यों लेके आ रहे हैं, ट्रस्ट है ही लीगल, इसलिए लीगल लेके आ रहे हैं, सब कुछ लीगल से ही चलता है। तुम स्कूटी लेके बाहर निकलोगे, हालांकि यहाँ तो रेड लाइट खैर नहीं है, फिर भी क्या होता है कि भाई मैं जिस साइड में चल रहा हूँ उसी साइड में चलेंगे ना, ये भी एक अलग कॉन्सेप्ट है कि भाई हम सर्विस रोड पर दोनों साइड चल रहे हैं है ना, तो लेकिन फिर भी एक कानून तो है, क्या हुआ हमने कानून व्यवस्था को भंग किया हुआ है, तो बात अलग है। तो ट्रस्ट भी एक कानूनी वर्ड है, शब्द है, लीगल टर्म है, ठीक है। अब इस चीज़ का पैसा लगा लो, मैंने मान लो 10,000 रुपए किसी को दिए कि इस पैसे के आप ट्रस्ट, मतलब ट्रस्ट में दे रहा हूं और आप क्या करोगे इससे सोशल बेनिफिट लोगे, सोशल वेलफेयर करोगे, ठीक है। तो वो पर्सन क्या कर रहा है, आप सोशल वेलफेयर कर रहा है उस पैसे से, वो डोनेशन और भी ले रहा है ना, मैंने भी दिया है, तो वो 10,000 रुपए से ट्रस्ट बन गया। ट्रस्ट कुछ भी नहीं होता, सिर्फ एक डॉक्यूमेंट होता है, ट्रस्ट कुछ भी नहीं होता, सिर्फ एक डॉक्यूमेंट होता है, लीगल डॉक्यूमेंट होता है, उसका उसके ऊपर लिखा था ट्रस्ट डीड, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है उसमें लिखा मिलेगा ट्रस्टी कौन कौन है। तो भाई कम से कम 2% तो होना चाहिए ना ट्रस्ट के लिए, समझो बात, क्या अकेला मैं अपने आप पे ट्रस्ट करता रहूंगा क्या, पॉसिबल नहीं है ना भाई। ट्रस्ट कब आता है कि जब 2% हो कम से कम बिटवीन, तो एटलीस्ट हमें इसमें 2% चाहिए, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8 वट एवर, ठीक है। तो एटलीस्ट 2% मस्ट बी देयर जी, 4 बताए थे ना, कोई नहीं उसको रिड्यूस करके 2 कर लो, ठीक है। हाँ 2 से बन जाए ट्रस्ट, तो ट्रस्ट बनाने में कोई बड़ी बात नहीं है, ट्रस्ट डीड बनेगी तो 2 से बनेगी ना, बट डीड क्या है, एग्रीमेंट ही तो है बिटवीन 2%, तो कोई भी एग्रीमेंट करोगे तो एग्रीमेंट करने के लिए कितने व्यक्ति चाहिए, पर्सन कितने चाहिए, 2 आदमी चाहिए, अकेला एग्रीमेंट कर लेगा नहीं, तो 3 होगा तो हाँ हो जाएंगे, क्या दिक्कत है, 4 चाहिए कि हाँ 4 भी हो जाएंगे, बट एटलीस्ट मस्ट बी 2, ये 2 की कंडीशन है, गेटिंग। सोसाइटी में 2 से काम नहीं चलेगा, सोसाइटी में 7 आपको करना पड़ेगा, कितना 7% होंगे, उनके अलग अलग पोस्ट पोजिशन डिसाइड करनी पड़ेगी, कौन प्रेसिडेंट बनेगा, कौन सेक्रेटरी बनेगा, कौन कैशियर बनेगा, ट्रेजरर व्हाटएवर, कौन वाइस प्रेसिडेंट है व्हाटएवर, इस तरीके से पोजीशंस उनकी असाइन करनी पड़ेंगी, किसमें, सोसाइटी में। ट्रस्ट में ऐसा नहीं है, ट्रस्ट में ट्रस्टी बनते हैं, पोजीशन देना चाहे तो वो दे सकते हैं, मान लो 7% उसमें भी है भाई, 7 इसमें भी हमने 7 कर लिए, तो उनके हमने कोई ट्रेजरर कोई कैशियर बनाना है तो बना सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, इसमें बना सकते हैं, इसमें बना सकते हैं, क्या होगा उस सिचुएशन में, हमें एक रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। रेजोल्यूशन क्या होता है, ये जो सब है ना, ये सब है, इन सबका पैन कार्ड है, इन सबका पैन कार्ड बनता है, समझो आप लोगों का पैन कार्ड होगा, आधार कार्ड होगा, तो आप कौन है, पर्सन है, कानून की नजरों में आप कौन है, पर्सन है, तो इनका पैन कार्ड है, तो इन्होंने क्या गुनाह किया, ये पर्सन नहीं है, ये भी तो पर्सन हुए ना, ये आर्टिफिशियल पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन मतलब मैन मेड, भाई हम इनको रजिस्टर्ड कर रहे हैं तो ये आर्टिफिशियल पर्सन है, हम कौन है, हम नेचुरल पर्सन है, लेकिन कानून कहता है पर्सन तो पर्सन है ना, जो आपके राइट्स हैं उनके राइट्स हैं, जो आपके राइट्स हैं वो इनके राइट्स हैं, तो ये बेसिकली जो मतलब रजिस्टर्ड कोई डॉक्यूमेंट हो गया ना वो भी पर्सन है, कि कौन सा, मैं सारे डॉक्यूमेंट की पर्सन की बात नहीं कर रहा, मैं उनकी बात कर रहा हूं जिनके पास वैलिड पैन कार्ड है ना, जिसका पैन कार्ड हो गया ना, जिसका पैन कार्ड हो गया वो क्या है, पर्सन है, उसको हम आदमी बोलते हैं, आदमी में सिर्फ ये नहीं कि हम जो है हम ही आदमी है, नहीं भ्रम है ये
आदमी ये भी है, ये जो लिख रहे हैं ये व्हाइट बोर्ड पे लिखा गया ना, ये पहले आदमी बन चुके हैं। कानून कहता है इस बात को, हम आदमी कौन कहते हैं, कानून ही तो कहता है, ये कोई और कहेगा? इंसान कहता है, इंसान भी तो कानून के थ्रू चल रहा है, बात समझ में आई? सो अल्टीमेटली ये सात आदमी से बनेगी, ये दो आदमी से बनेगी एटलीस्ट, और ये दो आदमी से बनेगी।